इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के जल संस्थान में, जहाँ पी जहाँ की जो अभी प्रेजेंट टाइम में एक बहुत ही वाक्या बड़ा सामने आया, वो ये है कि यहाँ पर राम पलट कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक बड़ा घोटाला किया है, जो कि गंगा परियोजना के तहत था, और कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे जी ने इसका खुलासा किया है। अब चलिए मैं उससे सीधे बात कराऊँगा और दिखवाऊँगा क्या सारी चीज़ें अपने आप में अहम रही हैं। प्रमिला जी, डिटेल से बताइए कि राम पलट कंपनी का क्या कैसे क्या रहा है, और ये जो मामला पूरा संज्ञान में आया, अब इसके बाद आपका क्या कदम रहे? राम पलट कंपनी ने जो ये यहाँ पर घोटाला किया है, इसके लिए मैं संबंधित अधिकारी को बुला करके हमने उसके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश किया, और इनसे मैंने बोला कि FIR दर्ज करके उसकी कॉपी मुझको आज ही मुहैया कराई जाए। और ये जो पूरा खुलासा हुआ है, इसके लिए आप आज आपने FIR के लिए आदेश दे दिया है, इसके बाद जो आपने जैसा बताया जो जनता का पैसा है, क्या वो वापस मिल पाएगा? जनता का पैसा निश्चित, मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो मेरे जनता खून पसीने की कमाई है उसको मैं वापस लाऊं। अभी जो ये पूरी परियोजना चल रही थी, ये काफ़ी सालों से कंपनी को टेंडर मिला हुआ था कि अभी रिसेंटली ये ब्लैक लिस्टेड हुई है? अभी मैंने चालू किया, अब आप देखते जाए आगे आगे होता क्या है। अब आपके FIR के बाद आगे का क्या कदम होगा, कंपनी के खिलाफ भी कुछ होगा, और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन हैं? मैं सब कुछ करूँगा, मैंने आपको बता दिया, अब आप देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है। ये थी हमारे साथ, फिर भी काम कर रही है, अभी लोगों ने बताया काम कर रही है, काम कर रही कानपुर, अभी आपने बोला। तो क्या आपके अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं? नहीं, यहाँ के अधिकारी कुछ नहीं संज्ञान ले रहे हैं, इनको मैं अब ठीक है। तो ये थी हमारे साथ कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे, जिन्होंने बताया कि जो कंपनी उसके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाए। इसी के साथ इंडिया लाइव TV, आकाश कानपुर।